सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो फ्रेंड्स टीवी कैनेडा। मैं हाँ कमलप्रीत सिंह, इस वेले की वड्डी खबर लैके हाजिर हाँ। इस वेले की वड्डी खबर है SIT का यह बयान कि पूरी तरह के नाल गिनी मिथी साजिश सी लखीमपुर खीरी की घटना। जानते हैं इस खबर को विस्तार के नाल। 3 अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा की जाँच कर रही विशेष जाँच टीम ने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगे 13 मुलजमान खिलाफ हत्या की कोशिश की नवी धारा दर्ज करने लिए अर्जी दायर की है। SIT के जांच अधिकारी विद्या राम दिवाकर ने IPC दियां धारावां 279, 338 ते 304A दी थां वारंट विच नवीं धारावां जोड़न लई CJM दी अदालत विच पिछले हफ्ते अर्जी दायर कीती सी। अपनी अर्जी विच जांच अधिकारी ने दस्या कि लखीमपुर खीरी घटना योजनाबद्ध अते जानबुझ के कीती गई है, ना कि लापरवाही या गलती नाल इह घटना वापरी है। जांच अधिकारी ने धारा 279 नूं बदल के भारतीय दंडावली दी धारा 307 जिसके तहत कतल की कोशिश, 326, 34, 338 और 304A लाने की बेनती की है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा की SUV की लपेट में आने नाल 4 प्रदर्शनकारी किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई सी। हिंसा में एक पत्रकार भी मारा गया सी। SIT ने हुण तक आशीष मिश्रा, लवकुश, आशीष पांडे, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ, शिशुपाल, नंदन सिंह, सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, धर्मिंदर बंजारा, रिंकू राणा अते उलास त्रिवेदी को गिरफ्तार किया है। वो लखीमपुर खीरी जिला जेल दे विच बंद हैं। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज सरकार को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का समा दिता है।